इस बार भारत में जो हमला हुआ है वो किसी हथियार या किसी बायोलॉजिकल वेपन से नहीं हुआ, ना ही ये हमला किसी को मारने के लिए किया गया है। ये हमला हुआ है भारत की एक ऐसी फसल के ऊपर जिसके एक्सपोर्ट में भारत दुनिया में 5वें नंबर पे आता है, और अकेले इसी खेती के एक्सपोर्ट से भारत हर साल करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है। कमाल की बात यह है कि आइसक्रीम्स के शौकीन लगभग सभी लोग इसके बारे में नहीं जानते, और इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी इस खबर को काफी कम मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। कसावा टेपियो का एक नेटिव साउथ अमेरिकन पौधा है जिसके फल का इस्तेमाल आइसक्रीम्स, पुडिंग्स और केक्स बनाने के लिए पूरे विश्व में किया जाता है, और भारत समेत दुनिया के कुछ ही देश इसकी पैदावार करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां हर हेक्टेयर जमीन पर अभी तक 35 टन कसावा उगाया जा सकता था। बाकी सभी गिने चुने देशों में पर हेक्टेयर केवल 10 टन कसावा की ही पैदावार की जा सकती है। पर थाईलैंड से हुई अवैध रूप से कीड़े की तस्करी ने भारत की फसलों को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि ये नुकसान सोच की हद से परे है। थाईलैंड से गैरकानूनी रूप से स्मगल हुए मीलीबग नाम के कीट की वजह से अब 35 टन से घटकर इस फसल की पैदावार केवल 3 से 5 टन पर हेक्टेयर ही रह गई है, और भारत के किसानों का कुल मिला के कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1970 के दशक में इसी कीट ने कई अफ्रीकन देशों पे हमला किया था और जिसकी वजह से करीबन 200 मिलियन लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई थी। खैर, इस नुकसान से बचने के लिए इस बार एक अफ्रीकन देश से मदद ली गई है और इस देश का नाम है बेनिन। अफ्रीका का ये देश इस कीट से निपटना अच्छे ढंग से जानता है और ये अनोखा तरीका अब ये देश भारत को भी सिखा रहा है। एक खास तरह की वास्प यानी कि ततैया इस अफ्रीकन देश से इंपोर्ट की गई है। एनागैरिस लोपेजी अफ्रीका में मिलने वाली एक ऐसी ततैया है जिसका खाना ही केवल वो कीट है जो कसावा की फसलों को बर्बाद करते हैं। यह अपनी तरह का एक ऐसा उपाय है जिसे भारत में काफी कम बार अपनाया गया है। अब अफ्रीका से इंपोर्टेड इस ततैया को केरला और तमिलनाडु के खेतों में छोड़ा जा चुका है और इन ततैयों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मीलीबग नाम का ये कीट भारत के लिए एकदम एलियन प्रजाति है, क्योंकि 2020 से पहले तक इस कीट का भारत में नामो निशान तक नहीं था। द प्रिंट के एक आर्टिकल के मुताबिक जब इस कीट के भारत में आने के कारणों के बारे में छानबीन की गई तो ये पता चला कि इस कीट को जानबूझ के थाईलैंड से लाया गया है, जहां खुद ये कीट हर साल काफी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अभी केवल 250 ततैया पर हेक्टेयर के हिसाब से खेतों में छोड़ी गई है और आने वाले 2 से 3 सालों तक ततैयों के प्रभाव को स्टडी किया जाएगा। इसके अलावा किसानों को इन ततैयों को पालना भी सिखाया जा रहा है। थाईलैंड से आई इस बीमारी की वजह से लगभग 700 किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट और स्टडी को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR द्वारा किया जा रहा है। गेहूं की कमी की मार झेल रही पूरी दुनिया का ध्यान फिलहाल ऐसी फसलों की तरफ नहीं जा रहा जो खास जरूरी नहीं है, लेकिन इनके एक्सपोर्ट से अफ्रीका के कई गरीब देश ज्यादातर पैसा कमाते हैं। आपको बता दें कि कसावा के प्रोडक्शन में कमी की वजह से ही भारत के सभी आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्शन घटकर आधा हो चुका है, और इसलिए आइसक्रीम की सप्लाई में भी काफी फर्क देखा गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिख के हमें जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक के बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।